हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम में लेआउट ऑप्शन क्या है और इसका यूज कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंस्टाग्राम में लेआउट ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पर, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इंस्टाग्राम में लेआउट ऑप्शन क्या और इसका यूज कैसे करें। तो फ्रेंड्स, जब आप अपना इंस्टाग्राम का ऐप ओपन करेंगे और आप स्टोरी लगाने के लिए ऊपर साइड लेफ्ट साइड कोने में आप इस प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ फिर नीचे साइड में स्टोरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर एक चौकोर सा आइकॉन है, तो ये लेआउट का ऑप्शन है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टाग्राम में ये लेआउट ऑप्शन क्या है। तो फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम में ये लेआउट ऑप्शन इंस्टाग्राम का एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। आप इस लेआउट फीचर की मदद से क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपको इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक ही स्क्रीन के लेआउट में बहुत सारे फोटो को आपको इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाना है, तो आप इस लेआउट फीचर का यूज कर सकते हैं और उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका लेआउट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने को आएगा। तो आपको जैसा लेआउट में आपको फोटो को सेट करना है वैसा आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टाग्राम में कैसे लेआउट का ऑप्शन का यूज करेंगे, तो देख सकते हैं मेरा स्टोरी वाला सेक्शन ओपन किया हुआ है स्टोरी लगाने के लिए। तो जब स्टोरी वाला सेक्शन ओपन किए हुए रहेंगे तो यहाँ पर आपको लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप इस जब लेआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं क्लिक कर दिया और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आ गया यहाँ पर नीचे साइड में बहुत सारा ऑप्शन। तो कैसा लेआउट वाला ऑप्शन आपको लगाना है, जैसे यहाँ पर ये चार फ्रेम वाला है, आप चाहते हो यहाँ पर उंगली रख करके स्वाइप इधर की ओर करके आपको जितना फ्रेम वाला आपको लेआउट रखना है उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं इस पर ला के छोड़ दिया तो अब छः फ्रेम वाला लेआउट यहाँ पर हो चुका है। तो मुझे तो चार वाला लगाना है, इसलिए मैं यहाँ पर ये चार वाला रहने देता हूँ। तो अब आपको अगर जो कैमरा से फ़ोटो खींच के लगाना है लेआउट में, तो आप यहाँ शूट वाले बटन पर क्लिक करके खींच सकते हैं। जैसे मुझे दो फोटो कैमरा से खींच के लगाना है तो मैं यहाँ दो को शूट कर लेता हूँ। जैसे देख सकते हैं एक फ़ोटो मैं शूट कर लिया, अब दूसरा वाला फ़ोटो आ गया, तो मैं दूसरा में थोड़ा सा अलग दूसरे तरह का खींच लेता हूँ। तो देख सकते हैं दो फ़ोटो खींच लिया, तो दो यहाँ पर हो चुका है मेरे ऊपर वाला स्क्रीन में, और मैं दो फोटो गैलरी से लगा लेता हूँ। आप चाहे तो चारों को आप जितना लेआउट वाला फ्रेम सेट किया है उतना फ़ोटो को आप कैमरा से खींच कर लगा सकते हैं, लेकिन मैं दो फोटो कैमरा से खींच लिया और दो को गैलरी से लगाता हूँ। तो गैलरी से लगाने के लिए नीचे साइड लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकॉन मिलेगा और यहाँ पर चौकोर सा आइकॉन, आप इस पर क्लिक करिए। जैसे मैं क्लिक कर दिया, अब मैं दो फोटो गैलरी से सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे एक ये वाला, तो यहाँ पर तीन हो गया, और मैं एक और गैलरी से कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ नीचे साइड लेफ्ट साइड कोने में इस चौकोर वाले आइकॉन पर क्लिक करता हूँ और एक फ़ोटो और मैं गैलरी से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक ये वाला फ़ोटो लगाना है, तो मैं इस पर क्लिक करके ये वाला सेलेक्ट कर लिया। तो देख सकते हैं मेरा लेआउट में जो है वो चार फोटो सेलेक्ट हो गया, क्योंकि मैं चार फोटो वाला लेआउट सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये जो टिक का आइकॉन है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं क्लिक कर दिया, अब मैं स्टोरी पर इसको लगाने के लिए नीचे साइड राइट साइड कोने में सेंड टू के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं और उसके बाद योर स्टोरी के सामने में शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं और नीचे साइड में मैं यहां डन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। तो देख सकते हैं अब वो लेआउट वाला फोटो जो है वो मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पर लग रहा है और लग भी गया होगा। जैसे मैं योर स्टोरी पर क्लिक करता हूँ अपने प्रोफाइल पर और देखता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पर देख सकते हैं यहाँ पर लेआउट वाला जो है फोटो लग चुका है। तो इस तरह से आप इंस्टाग्राम में लेआउट का यूज कर सकते हैं और एक ही लेआउट में आप बहुत सारे फोटो को इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।